Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 409. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ala Muhammad al-Mustafa ila al-Qiyamah. सुबह का गिनान है ये आल नबी की औलाद अली की पंचतन पाक बखानो हसन हुसैन एक नूर पिछानो इनसे उम्मत सारी भला तू जागत क्यों न। पीरों ने जो गिनान हमारे सामने अपनी रहमत से दिए हैं, ये इलम का खजाना खुश नसीब लोगों को समझ में आता है। वो लोग के जो मजहब के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, यानी मजहब में रस लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंतकरण की जो खिड़कियां हैं वो खुल जाती हैं, अंतकरण से उसको प्रेरणा मिलती है, बदियों बुराइयों से इंसान बचता है। मजहब दुनिया में इसलिए आया कि इंसान के अंदर जो भूल करने की शक्ति है उसके कारण से इंसान भूल करता है, उसको कम करने के लिए, कमती भूल होवे और इंसान जैसे जैसे बचपन में बड़ा हो गए मौत की तरफ जाता है बूढ़ा आदमी होके। ऐसा लाजिम नहीं है कि बूढ़े होके ही आदमी मरे, जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, माँ के पेट से मरे हुए बच्चे भी निकलते हैं। लेकिन हमारा गोल यही है कि हमें एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है और हमको जाके शेष के सामने खड़ा होना है, हिसाब देना है उसने हमें दुनिया में भेजा। आप अल्हम्दुलिल्लाह मोमन जमात हो, आपके दिल में हजरत इमाम का ईमान और प्रेम है, लेकिन अगर जो आप दुनियादारी के अंदर फंस जाओ और दुनियादारी की मौत शौक के अंदर आप अपना टाइम गुजारो, तो हमारे दिल के अंदर जो ईमान है वो भी आस्ते आस्ते घट जाएगा। ईमान जो है वो एक किस्म का झाड़ है कि उसको हर वक्त पानी देना ही चाहिए, और अगर हमने ईमान को पानी नहीं दिया तो वो सड़ जाएगा। बड़े अच्छे लोग, ईमानदार लोग खराब संगत में पड़ गए, बुरे बन गए, और ऐसा भी हुआ है कि खराब आदमी अच्छी संगत में आके अच्छे बन गए। हमारी हिस्ट्री के अंदर इस किस्म की बहुत सी बातें हैं। तो मैंने आपको यह कहा कि खुदा ने इंसान को उसके अंदर जो भूल करने की शक्ति है, आदत है, उसमें से उसे बचाने के लिए मजहब भेजा।
और मजहब के उसूल बनाए नबियों ने, खुदा ने नबियों को टीचर बना के भेजा, हर नबी एक टीचर था और उसने अपने जमाने के हिसाब से उस जमाने की संस्कृति, उस जमाने का जो कल्चर था उस हिसाब से लोगों को दौड़वनी दी। जमाना बदलता गया, इंसान एजुकेशन में, साइंस में, संस्कृति के अंदर ऊंचा उठता गया, एडवांसमेंट होती गई। इसी तरीके से नबियों ने भी अपने वलन बदल के उस जमाने के हिसाब से उन्हें दौड़वनी दी। ये जो आले नबी और औलाद अली, ये जिंदगी भर हमारी और हमारी जिंदगी के अंदर रहेंगी और हमारे बाद के जो लोग आएंगे उनकी जिंदगियों में भी रहेंगी। आंख की एक पलक जितना भी जमाना इमाम के बगैर नहीं रह सकता, इमाम की हाजिरी दुनिया के अंदर है और रहेगी। क्योंकि अगर इमाम का पांव इस धरती पे नहीं हो गया तो रसूलुल्लाह कहते हैं ये धरती फना हो जाएगी। आंख की पलक जितना भी अगर इमाम दुनिया में हाजिर न हो तो ये जमीन नहीं रह सकती। हर इंसान को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हर इंसान को उसके जिंदगी में जो इमाम था उस इमाम के साथ उसको उठाया जाएगा। इमाम जो है वह खुदा का नूर है, अगर उसमें नूर नहीं तो वह इमाम नहीं। ये जो आम जो बहुत पढ़े लिखे आलिम लोगों को भी शेख भी कहते हैं और उससे बड़ा हो गए तो उसको इमाम कहते हैं। हमारे सुन्नी भाई जो हैं उनके अंदर चार बहुत ग्रेट इमाम हुए उनके, हम उनको इमाम नहीं मानते, वो हमारे इमाम को नहीं मानते। उनका मजहब सुन्नी मजहब है, हमारा मजहब शिया है, लेकिन वो भी अली नबी को मानते हैं, हम भी अली नबी को मानते हैं, लेकिन अली को जिस तरह हम मानते हैं वो नहीं मानते। हम अली को इमाम कहते हैं, वो अली को खलीफा कहते हैं। इमाम और खलीफा में फर्क क्या है? इमाम जो है वो धार्मिक राजा है, रूहानी राजा है, और जो खलीफा है वो दुनिया का राजा है। खिलाफत जो है रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी के कहने से नहीं चली, चल गई बस, और ये खिलाफत खत्म भी हो गई। चार खलीफा हुए, हजरत अबू बकर पहले खलीफा हुए, हजरत उमर दूसरे खलीफा हुए, हजरत उस्मान तीसरे खलीफा हुए, मौला मुर्तजा अली चौथे खलीफा बने, और मौला मुर्तजा अली के बाद इमाम हसन भी 5.5 महीने तक खलीफा रहे। लेकिन मुआविया की शरारत से, मुआविया के कावे दावे से इमाम हसन थक गए। इमाम हसन ने अपनी जिंदगी तलवार नहीं उठाई, क्योंकि इमाम हसन जो थे ना वो पीर थे और पीर तलवार नहीं उठा। रसूलुल्लाह पीर थे लेकिन नबी ने लड़ाइयों में भाग लिया लेकिन कभी तलवार उठाई नहीं और किसी पे वार भी नहीं किया। पीरी जमा, लेकिन मौला मुर्तजा अली ने बहुत से आदमियों को कत्ल किया। मौलाना हुसैन ने इनने भी कत्ल किया, लड़ाइयां की, तलवार उठाई। जमाने के हिसाब से ये बातें बनती रही तो मौलाना इमाम हुसैन जो थे उनसे पहले इमाम हसन खलीफा थे, मगर उन्होंने खलीफा पन छोड़ दिया और मुआविया खलीफा बन बैठा। यहां खिलाफत इमाम हसन पे खिलाफत खत्म हो गई। मुआविया भले नाम उसका खलीफा रहा मगर वो बादशाह था, राजा था। मौलाना हसन इमाम के एक फरमान में है और ये फरमान किसी बहुत बड़ी मंडली का है।
आपको पता भी होगा, सुना भी होगा। मौला फरमाया अली और मुआविया के अंदर झगड़ा क्या था वो हर इस्माइली को जानना चाहिए। अली और मुआविया का झगड़ा कुछ नहीं था इसके सिवा कि मुआविया का जो ईमान था वो इस्लाम को बर्बाद करने का था और अली का ईमान था इस्लाम को बचाने का। रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफा की आंखें बंद हुई और हजरत अबू बकर 300-350 आदमियों के कहने से खलीफा चुने गए तो मुआविया का बाप अबू सुफियान, हिस्ट्री पढ़ने से हमें मालूम होता है जितना दुख अबू सुफियान ने दिया है बनी हाशम को, यानी कि रसूलुल्लाह के जो ट्राइब था, मुर्तजाली का जो ट्राइब था, ये लोग बनी हाशम थे, इतना दुख किसी ने नहीं दिया। और तमाम लड़ाइयां इनका जो सरदार था वो अबू सुफियान था, मुआविया का बाप। मौला मुर्तजाली के पास आया, कहते अली क्या करते हो, तेरी नजर के सामने खिलाफत छिन गई, ये तो तेरा हक है। मुर्तजाली जमीन पर बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे, आए अबू सुफियान तू कब से इस्लाम का दोस्त बना है? वो हंस के कहते हैं, अली मुझे हुक्म करो मैं मदीना की गलियां अपने लश्कर से भर दूं। मुर्तजाली फरमाया, मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ, तू फितना करने आया है, मुझे और मुआविया को लड़ाने आया है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, निकल जा, मुझे और अबू बकर को लड़ाने आया है। हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने हमेशा दुनिया में शांति रखी और शांति सिखाई। हमने आज तक कभी किसी मजहब की दुश्मनी नहीं की, आज तक लगभग 60-70 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले इस नाशरियों के दरमियान और इस्माइलियों के दरमियान थोड़ा झगड़ा रहा और 50 वर्ष तक ये झगड़ा रहा, लेकिन हमेशा पहल इस नाशरियों ने की, हमने नहीं। इस्माइलियों ने कभी किसी मजहब के विरुद्ध में पहल नहीं की, लेकिन ये जरूर हुआ कि जब उन्होंने हमको, हमारे ईमान को, हमारे मजहब को बखोड़ा, गालियां देने लगे, तो हमारी जमात के जो आलिम लोग थे उन्होंने जवाब दिया, वली नंद हुदा कलम का धनी था, इसने जवाब दिए, बहुत सी चौपड़ियां लिखी। मिशनरी यूसुफ बरते जी, इसने भी बहुत से जवाब दिए, बहुत सी चौपड़ियां लिखी। और ये जो मिशनरी बरते जी थे, इब्राहिम यूसुफ बरते जी, ये पहले इस नाशरी थे मगर बड़े आलिम थे, अपने मजहब की किताबें पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के मिशनरी बरते जी को हुआ कि दुनिया में इमाम होना चाहिए। इस नाशरी होने के कारण से सुल्तान मोहम्मद शाह के तरफ इसका ध्यान नहीं गया, ये सुनियों के अंदर गया, सुनी बन गया। मिशनरी बरते जी सुनियों के अंदर 1.5-2 वर्ष रहे मगर दिल का जो मकसद था पूरा ना हुआ। इन्होंने सोचा कि चलो हिंदुओं में देखूं, हिंदू बन गए। सनातन के अंदर रहे तो भी मजहब न मिला, क्रिश्चियन बन गए तो भी दिल की शांति न मिली। अब ले दे के इनको एक ही नजर आया इस्लाम के अंदर कि वो था इस्माइली फिरका। और जब इस्माइली मजहब के ऊपर विचार किया और उसकी स्टडी की तो इस्माइली बन गया और जिंदगी भर इमाम के कदमों में अपना सर रखा। बहुत बड़े आलिम थे, जोली भी थे, वो ओम अली, उन्होंने एक बैच बनाया था और हमेशा वो ओम अली इधर अपने ब्रेस्ट पे पहनते थे। लेकिन फर्क क्या किया, ओम जो है वो ऐसा नीचे से ऊपर जाके मरोड़ी होती है, नीचे से ऐसा गोल होता है। मिशनरी बरते जी ने वहां अरबी जबान का ऐन लिखा और ओम की शक्ल बनाई तो अली लगता था, और हकीकत में ओम है वो अली है। और ऊपर देखो
हिंदुओं के वेदों के अंदर जो ओम है उसमें नीम है, और नीम खरा पूछो तो नीम मोहम्मद की है, और लाम है वो अली का है, और ये है, और इसके अंदर चांद तारा है। हिंदुओं की किताबों में ये चांद तारा है, और चांद तारा तो इस्लाम की निशानी है। तो इन्होंने मिशनरी इब्राहिम यूसुफ बरते जी इधर ओम अली लगाया करते थे, उनकी झोलीपन की खुश तबीयत की बात सुनाता हूं। हिंदुस्तान का एक मशहूर आलिम सूफी और 2 लाख मुरीदों का मुर्शिद था ख्वाजा हसन निजामी, दिल्ली में रहते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को बहुत इज्जत देते थे हमेशा, और इमाम की तारीफ भी करते थे। बहुत सी किताबों में उसने इमाम का जिक्र किया है। जो आदमी उर्दू जानते हैं, और खास तौर पे मैं अपने मिशनरियों को बोलूंगा कि दावत इस्लाम हसन निजामी ने एक किताब लिखी है, आई थिंक 300 पेज की किताब है, वो किताब हर इस्माइली को पढ़नी चाहिए, क्योंकि हसन निजामी ने इस्माइलियों के ऊपर ये किताब लिख के फातिमी दावत इस्लाम, इमाम की और इस्माइलियों की बहुत तारीफ की है। तो दिल्ली गए थे हसन निजामी, उसने देखा कि ये ओम अली है। हसन निजामी कहने लगे, मिशनरी साहब ये तो गलत ओम है, हिंदू इस तरह नीम से लिखते हैं। तो हंस के कहते हैं, मैंने उसको मुसलमान बना दिया, यानी अली लग दिया। तो ऐसे आलिम जो थे हमारे आलिमों में से एक शख्स और भी थे, अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनार। हमारे आलिमों में से एक और भी शख्स थे मोहम्मद हुसैन बच्चल, मिशनरी थे। अगर आपको याद हो गए तो गोल्डन जुबली के ऊपर एक झाड़ में से शजरा बनाया था, ऐसा कर करके अली से शुरू होता है, और तमाम इमामों की वंशावली में से लेके इमाम लिख के ऊपर हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का ताज बनाया। ये शजरा मिशनरी मोहम्मद हुसैन बच्चल का बनाया हुआ। ऐसे और भी हमारे आलिम थे, जैसे कि हमारे मिशनरी गुलाम अली शाह थे, और उनके जो बाप थे मोहम्मद शाह सैयद मोहम्मद शाह, उसके 6000 मुरीद थे और इस नाशरी थे, मगर उसने भी इलम पढ़ के और सोच के इस्माइली मतलब अख्तियार किया, जो कि उसके लिए एक मोजज़ा हुआ। सैयद मोहम्मद शाह लगभग 60 बरस की उम्र हुई तो इसको दिल में हुआ कि इमाम के बगैर यह दुनिया नहीं रह सकती, इमाम है। हम इस नाशरी जो बोलते हैं कि इमाम गायब हो गया, ये बात बराबर नहीं। तो उसने तय किया, दिल में नक्की किया कि मैं इमाम को ढूंढने जाऊंगा भले मर जाऊंगा। एक रात को अपने वाइफ को बच्चों को कहे बगैर टांगा दिया, कायमपुर के छोटे से गांव में रहते थे इधर मुल्तान के पास बहावलपुर स्टेट में, रात की 12 बजे की गाड़ी में ये बैठ के कराची आए, घर वालों को कुछ पता नहीं। दूसरे दिन उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की, बहुत वक्त गुजर गया, 12 बरस गुजर गए, और घर वाले तो समझ बैठे कि सब हमारा ये दादा बापा मर गया। ये बगदाद गया, करबला गया, दमिश्क गया, मक्का गया, मदीना गया, नजफ गया, सब जगहों के ऊपर घुमा इस्लामी मुल्कों के अंदर, लेकिन कहीं इन बड़े बड़े शेखों और आलिमों की मुलाकात के बाद भी इसके मन का जो मकसूद था वो नहीं मिला। यूं करते करते 72-73 बरस की उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, बीमार रहने लगा। इसको दिल में ऐसा हुआ कि मैं थोड़े टाइम में मर जाऊंगा। बगदाद में था तो जिसके घर पे उतरा
उसको कहता है मेरा एक काम करो, मुझे नजफ पहुंचा दो, बगदाद से नजफ 40 माइल है, मुझे नजफ पहुंचा दो। नजफ अशरफ में मुर्तजा अली सोए, मौला मुर्तजा अली के रोजे में जाके पांव की तरफ नहा धोके, कपड़े तो वही थे, कपड़े भी धोए और गीले गीले कपड़े पहन लिए, एक तो बीमार था ही, गीले कपड़े पहनने से इसको निमोनिया हो गया, लेकिन मौला के पांव की तरफ उधर जाके सजदा किया और रोने लगा। कहते हैं मौला मेरे गवाह रहे, मैं 12 साल से तुझे ढूंढ रहा हूं, कहीं भी मुझको तू नहीं मिला है, और मौत सामने खड़ी है, मैं अगर मर जाऊं तो मेरे से ये हिसाब न लेना कि इमाम की बैत किए बगैर तू मर गया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा अपने जीवन के अंदर जो तुम्हारा इमाम है उसकी शनाख्त के बगैर, उसकी सेवा के बगैर तुम जहन्नम में जाओगे। बहुत रोया, बहुत आजिजी की, और रोते रोते आजिजी करते 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 ये सो गए, सजदे में ही सो गए। देखा तो एक यूरोपियन आदमी खड़ा है, इसके सिर पे हाथ रखा, उठ मेरे बच्चे, मुंह ऊंचा किया, मैं अली हूं और मैंने तेरी आजिज़ी कबूल की, मैं हजरत इमाम, मैं अली, मुझे तुम खोजो मैं मिल। अभी इसको याद आया जब यहां खुली तो कि खोजे तो उधर सिंध में बहुत हैं, अब जो निमोनिया था वो भी अच्छा हो गया, बीमारी भी चली गई, दिल के अंदर एक ताकत आ गई, और एक आध महीने के अंदर ये कराची उतरा, और कराची उतरा तो शिया इमामी इसना शरी खोजा मुसाफिर खाना, खाना घर के ऊपर जहां पुराना जमा खाना था, इसकी लाइन में अभी भी इनका मुसाफिर खाना है, वो खोजा मुसाफिर खाना देखा, इधर उतरा सामान रखा मुसाफिर खाने में, जब डे ब्रेक हुआ दिन चढ़ा तो 7-8 बजे इसने देखा कोई सैकड़ों आदमी मर्द औरत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चले जा रहे हैं। मुसाफिर खाने के मैनेजर को पूछा कि भाई आज क्या है, कोई ईद है? कहता नहीं नहीं, ये खोजों का इस्माइलियों का आगा खान है ना, वो आया हुआ है। तो ये नीचे उतरा, सबके साथ चलते चलते खरा दर के जमात खाना, पुराना जमात खाना जो था वहां पहुंचा तो वॉलंटियर खड़े हैं, हजारों आदमी जा रहे हैं बैठे हैं, अंदर जाने की हिम्मत ना हुई, बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद विसर हुई, धनी सलामत आता मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की गाड़ी आई। अब जो गाड़ी आई तो मौला ने उस गाड़ी को गेट के अंदर जाने नहीं दिया, ऐसा कहा इधर खड़ा करो, तो गेट के बाहर ही मौला उतर गए, और जैसे ही इसने देखा बेचैन हो गया, सपने में यही आया था मुझको कहने मैं अली हूं, मैं हजरत इमाम हूं, तू मुझे ढूंढ रहा है, बेचैन हो गया। मौला तो अंदर चले गए, घंटे डेढ़ घंटे के बाद मौला वापस आए, अब जो इसने देखा तो नमन किया, मौला चले गए। एक वॉलंटियर को पूछा यहां तुम्हारा बड़ा आदमी कौन है, तो उसने कहा अंदर जाओ मुखी का मड़िया है। अंदर गया, किसी को पूछा, तो यूं करते करते मिशनरी हुसैनी के हाथ पहुंच गया। हुसैनी मिशनरी चीफ मिशनरी थे, आलिम शख्स थे, इसके साथ बातचीत की और इसको सच्चा पाया कि नहीं, इसके दिल के अंदर सच्चाई है, मुझे इमाम के पास ले जाओ। कहता ऐसा नहीं, पहले मैं इमाम की इजाजत मांगू, रजा मिले तो चलो। एक आध दो दिन के अंदर मौला के हुजूर में
उसने बात निकाली, माला फरमाया हाँ हमको पता है उसको आने। जब मौला के बंगले इसको लेके गए, मौला तो अंदर बैठे थे कुर्सी पे और काफी दूर दरवाजे के ऊपर जुई, इसने मौला को देखा अंदर ही सजदे में गिर पड़ा और खूब रोया खुशी के साथ। इतना रोया कि बस इसकी दाढ़ी बाड़ी सब गीली हो गई। मौला ने बुलाया, इसकी बैत कबूल की, इसको दुआएं फरमाई और फिर इसने हाथ बांध के कहा कि ते मौला मुझे मालूम नहीं कि मेरी फैमिली में कौन जीता है कौन बाकी है, 12 साल हुए हैं। मौला फरमाया तेरी फैमिली में सब जीते हैं, कोई मरा नहीं। फिर इसने अपनी सारी फैमिली की बयान कराई। मिशनरी गुलाम अली शाह उस वक्त 10-12 साल के थे। मौला फरमाया अच्छा अभी तुम घर जाओ और 3 महीने के बाद बॉम्बे आना। उसे ने मिशनरी को हुक्म किया कि इसको रिक्रिएशन क्लब के अंदर अरबी फारसी सिखाने के लिए मैं अपॉइंट करता हूं। फिर कहता है मौला मेरे 6,000 मुरीद हैं, मेरे इन मुरीदों को भी कबूल करो। सब बोले नहीं, तू इस लायक था हम तुम्हें कबूल करते हैं, तेरी फैमिली को कबूल करता हूं, लेकिन तेरे मुरीद मुझे नहीं चाहिए। और देखो अभी तुम मेरे मुरीद हो, अब तुम पीरी मुरीदी मत करो क्योंकि तुम्हारा हक नहीं मुर्शिद बनने का, और इनको छोड़ दो और इनकी तरफ से तुम्हें कोई चीज मिले, कोई यानी मेहमानी की ऐसी कोई तोहफा गिफ्ट मिले तो मत लेना, अब तुम मेरे हो। मौला के हुक्म से बम्बई आके रिक्रिएशन क्लब में रहे और अरबी फारसी सिखाते थे। गुलाम अली शाह इनका बेटा। मैंने ये बात इसलिए कही कि हमारी मजहब के अंदर ऐसे बड़े बड़े आलिम हुए और इन आलिमों ने जभी भी हमारे मजहब के ऊपर, हमारी जमात के ऊपर, हमारे मौला के ऊपर कुछ हमारे गैरों ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे आलिमों ने जवाब दिए। एक ऐसा वक्त भी आया कि पंजाब के अंदर 1,00,000 गुप्ती थे, मैं खुद पंजाबी हूं और गुप्ती फैमिली में से उतरे हैं हम लोग। पंजाब के जो इस्माइली हैं वो फिर सदरदीन के बोधे हुए नहीं, खोजे फिर सदरदीन के बोधे हुए, फिर असन कबीरदीन के बोधे हुए और मोमने फिर ताजदीन के बोधे हुए। अलग अलग हमारे पीरों ने जुदा जुदा मिशन का काम किया। ये शमस माँ बाप के 900 बरस के जो मुरीद थे वो कश्मीर और पंजाब और फरंजियर के इदारे में रहे। जमात खाने थे उसको हम धर्मसरा कहते थे, दुआ पढ़ते थे, न्याज निकालते थे, तमाम हमारी मस्जिद की जो रीत रस्म रिवाज है पूरी तरह पालते थे। लेकिन बाहर हमारा नाम हिंदू तरीके से था। हमारे यहाँ शादी होती थी तो ब्राह्मण आते थे, पुरोहित आते थे, कोई मर जाता था तो उसको जलाते थे। 100% बाहर हिंदू, अंदर 105% इस्माइली। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दिन पंजाब के 8 लीडरों को अपने घर पूना में बुलाया और ये इंतजाम करवाया मिशनरी हुसैनी की मारिफत से। हुक्म किया रात को 12 बजे आना और मिल के नहीं आना, एक एक करके आ गए। रात को 12 बजे ये 8 आदमी मौला के हुजूर में पहुंचे। इन 8 में से मेरे अब्बा थे अली भाई, उसका नाम पन्ना लाल था, मेरे बाप का नाम पन्ना लाल, मेरे दादा का नाम भगवान दास, और 350 बरस से हम लोग मुखी रहे। मुखी मर जावे उसका बेटा मुखी होवे, ये वंश परंपरा चली आती थी। मैं अपने खानदान की बातें नहीं करना चाहता लेकिन हिस्ट्री बयान करता हूं ताकि आपको पता लगे कि हमारे मजहब की डेवलपमेंट किस तरह हुई इंडिया में।
मौला ने हुक्म किया कि टाइम आ गया है, अभी तुम खुले मुसलमान हो जाओ। मैं आपको इसकी डेट देता हूं, 1914 जनवरी महीने की 20 तारीख पूना के अरोड़ा पैलेस में इमाम ने इन 8 आदमियों को रात के 12 बजे बुलाया, बहुत सी इंस्ट्रक्शंस दी। जब ही देखो तुम्हारे यहां बच्चा हो गए, जमात खाने के अंदर उसकी बैयत कराओ, और 3 बरस के अंदर अंदर लड़का हो गए तो उसकी सुनता कराओ, मगर सुन्नी मौलवी मंगाना। पंजाब में सुन्नियों का जोर बहुत था और अभी भी है, शियों के साथ नहीं, सुन्नी मौलवी। आमीन खुदा। तुम्हारे यहां शादी हो गए तो सुन्नी मौलवी को बुलाना निकाह पढ़ाने के लिए, और जब कोई गुजर जावे अभी उसको जलाना नहीं, उसको दफन करना, और सुन्नी मौलवी आवे। इस तरह छोटी छोटी सारी इंस्ट्रक्शंस दी, और तुम अपने नाम बदल डालो। तो एक ने कहा खुदावंद तू रहमत करके हमारे नाम बदल दे, तो इन 8 के सब नाम बदल दिए। फिर हुक्म किया द्वासीस दी, डेढ़ मोने 2 घंटे तक इससे बातें की। फिर मौला कहते हैं देखो रात के 2 बजते हैं, अब देखना रात के 2 बजते हैं जी खुदा। पूना के स्टेशन के सामने ईरानी रेस्टोरेंट है, इनको तो पता नहीं था, लेकिन मौला कहते हैं स्टेशन के सामने ईरानी रेस्टोरेंट है, वहां जाके गाय का गोश्त खाओ। अरे मर गए, क्योंकि हिंदू थे सैकड़ों वर्षों से, गाय का गोश्त रखी, बकरे का गोश्त भी कभी नहीं खाते थे, लेकिन देखो मेरे मौला का हुक्म, देखो हम तुमको बोलते हैं अभी अभी इधर से निकल के वो रेस्टोरेंट में जाओ और ईरानी रेस्टोरेंट में गाय का गोश्त खाओ। अमीन खुदा। ये 8 बजे रेस्टोरेंट में आए, मेरे अब्बा कहते थे कि गोश्त देख के कंपना के पारी छूटती थी, मरा हुआ गाय का गोश्त, लेकिन हुक्म है आंखें बंद करके मोटी डाली, लेकिन अलग से उतरती नहीं थी, जबरदस्ती खाई, लेकिन हुक्म पाला। 1,00,000 जो मुफ्ती थे उसमें से 40,000 ने फरमान माना, 60,000 ने फरमान दिया। मौलाना सुल्तान महमूद शाह की जो मेमोर्स है आगा खान, मेमोर्स ऑफ आगा खान, उसमें इमाम ने इस बात को मेंशन किया है कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे कहने से 1 दिन में 40,000 हिंदू मुसलमान बने, वो हम लोग थे। अभी जो बाकी 60,000 रह गए, क्योंकि सगे कुटुंबी थे सर, आधे उधर रह गए आधे इधर रह गए। भाइयों में यह था कि अगर मर्द इस्माइली जाहिर में नहीं हुआ मुफ्ती है, दुआ पढ़ते थे, अपना मजहब मानते थे, लेकिन जाहिर नहीं हुए, तो हम लोग उनको कहते थे कि तुमने अगर इमाम का हुक्म ना माना तो तुम्हारी सब बंदगी रद्द। बहुत से ऐसे थे कि जो मुफ्ती रह गए, लेकिन औरतों ने इस्माइली मजहब को जाहिर खाने कबूल किया और अंदर खाने छुपा के अपने नाम भी बदल डाले। जिस तरह से 1900 के अंदर यहां मुंबई में हुआ कि इमाम ने चिट्ठियां निकलवाई और हुक्म किया कि सब लोग आके दरखाने में चिट्ठी लिखो, देखो ये हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री हमको जानना चाहिए। मौला ने हुक्म किया 1900 कि सारी जमात आके जो फैमिली का हेड है वो जमात में आके उनके कैमरे के सामने साइन करे कि मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह मेरे इमाम हैं, मैं उनका मुरीद हूं और मैं उनकी ताबेदारी करने के लिए वादा करता हूं। इसमें सिंदर के 75 कुटुंब ऐसे थे कि जिनकी टोटल 350-400 बच्चे बीवियां सब मिला के इन्होंने साइन नहीं किए, तो इमाम ने फरमाया कि इनको मजहब में से निकाल डालो, तो इन लोगों को हमारी जमात ने मजहब में से निकाल दिया। उस वक्त काउंसिलें नहीं थी, मुख्य कमरिया और अमरदार होते थे, इन लोगों को हमने निकाल दिया। और सामने पाला गली के अंदर
इन लोगों ने जाके एक मकान वाले ने कहा मेरा मकान तुमको देता, और यहाँ इन्होंने बाद में कुछ वर्षों के बाद मस्जिद बनाई जो आज भी मौजूद है। अब ये लोग जिन्होंने साइन नहीं की उनको हमने छोटी जमात का नाम दे दिया और हम इस्माइलियों को बड़ी जमात का नाम मिला। बार भाई एक और वासनदिशा के जमाने में 1866 में वो मामला और था, 34 इयर्स पहले था, और ये सुल्तान मुशा के बारे में हुआ 1907 में। अब मौलाना हसन अली शाह के साथ 2000 आदमी का लश्कर था जो ईरान से 1842 में इंडिया आए। इन लश्कर के अंदर कुछ मुल्ला थे, ईरानी मुल्ला, इस्नाशरी मुल्ला, ये लोग इनके पीछे पड़ गए और इनको इस्नाशरी मजहब के अंदर दाखिल किया और इस्नाशरी तरीका सिखाया। अब दुश्मनी हो गई इनके और हमारे बीच में, दुश्मनी हो गई, वो हमारे इमामों को गालियां दे रहे। मैंने आपको कहा है और मैं वापस कहता हूं और मैं जोर से कहता हूं, इसलिए कि खुद मैंने भी चौपड़ियां लिखी हैं और इसमें इन्वॉल्व हूं, हमने इस्माइलियों ने कभी पहल नहीं की, मगर जब कोई दूसरे हमारे इमाम को गाली दे रहे तो हमारे से शांत नहीं हो रहे, तलवार तो नहीं चला सकते लेकिन कलम तो चला सकते हैं। इस तरह इस नाशरियों और इस्माइलियों के बीच में दुश्मनी हो गई और इसलिए इमाम ने यह फरमान किया कि तुम ये छोटी जमात वालों के साथ मत मिलो, क्योंकि मिलने से झगड़े बढ़ते थे, मिलने से दुश्मनी बढ़ती थी। तो मौलाना ने फरमाया कि इस नाशरियों के साथ मत मिला, उनके घर का खाना भी न खाओ। और जो पक्के इस्माइली थे उन्होंने खुद इसके अंदर थोड़ी मिर्च मसाला डाल दिया, इमाम ने नहीं, इमाम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम उनके साथ दुश्मनी करो, बल्कि फरमानों में यह है कि जिन्होंने हमारा मजहब छोड़ दिया उनके साथ दुश्मनी न रखो, मेल मिलाप न रखो। यहां तक के बाप इस्नाशरी रह गया, छोकरा इस्माइली है, या छोकरा ही इस्नाशरी है तो बाप इस्माइली है, एक भाई इस्नाशरी है तो एक भाई इस्माइली है। न बाप बेटे के घर जावे, न बेटा बाप के घर जावे, न भाई भाई के घर जावे, मजहब के लिए दुश्मनी हो गई, अलग हो गए। और इसके अंदर मेल मिलाप में झगड़े थे, इमाम ने फरमाया इनके साथ मिलना जुलना मत करो, उसके घर का पानी मत पियो, उनके घर का खाना मत खाओ। ये महज बचाने के लिए था और ये सिलसिला लगभग 50 बरस तक चला। इसके अंदर बहुत सी किताबें लिखी गई, हमारे मिशनरियों आलिमों ने उसके जवाब दिए। बिल्कुल इसी तरह से पंजाब के अंदर कुछ लोग जो हिंदू रह गए वो आस्ते आस्ते इस्माइली मजहब से निकल के आर्य समाजी बन गए। पंजाब में इस्माइली और गुप्तियों का जो झगड़ा हुआ वो 1914 से शुरू हुआ, लेकिन 1921-22 में दयानंद सरस्वती ने गई सदी के अंदर जो आर्य समाज की बुनियाद डाली, उसने अपनी किताब जो लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, मैंने पढ़ी है, और रसूलुल्लाह के ऊपर उसने और कुरान के ऊपर बड़े अटैक किए हैं, इसके कारण से मुसलमानों ने भी उनके ऊपर बहुत कुछ किया। अब उस वक्त आर्य समाजियों ने 1921, 22, 23, 24 और 25 तक ये 4-5 बरस आर्य समाजी हम लोगों को बहुत छेड़ते रहे, और इसके अंदर शाबाश हमारे मिशनरी वर्ते जी का, वर्ते जी ने किताब लिखी वैदिक इस्लाम, कहीं से भी मिलो जरूर पढ़ो, मोटी किताब है 400 पेज की वैदिक इस्लाम। उन्होंने और भी बहुत सी किताबें लिखी और आर्य समाजी पंडितों ने हमारे लिए किया, उसको भी उन्होंने अच्छा जवाब किया। तो मेरा कहने का, मैं आपको यह हिस्ट्री कुछ सुना रहा हूं मकसद से, मकसद मेरा बाकी है, आपको तैयार कर रहा। आर्य समाजियों ने दुश्मनी की, हमने जवाब दिया,
इस नशरियों ने दुश्मनी की, हमने जवाब दिया, हमारी तरफ से कभी कोई बिगिनिंग नहीं हुई। आहिस्ता 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 ये चीज घटती गई घटती गई, क्योंकि इस नशरियों के अंदर भी मॉडर्न एजुकेटेड जवान पैदा हुए और आर्य समाज तो वीक हो गए, उनकी बात छोड़ दो, मगर ये जो है इस नशरियों में नया जवान वर्ग समझदार है और इस किस्म के मजहबी झगड़ों को पसंद नहीं करता। अगर इमाम ने आज इस बात को 100 बरस लगभग हुए, अगर इमाम ने फरमाया सबसे दोस्ती रखो, नाम नहीं लिया किसी बात का भी, लेकिन हुक्म किया सबसे दोस्ती रखो, कोई से दुश्मनी न करो। इस्लाम की जो उम्मत है हम उसके अंदर शामिल हैं, हम भी रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, हमारा भी वही नबी है। दुश्मनी तो महज थोड़े से अकीदे के हिसाब से ईमान की खातिर है, लड़ाई का कोई कारण नबी के जमाने के अंदर भी एक आदमी अली का दोस्त था, दूसरा उसका भाई अली का दुश्मन था, तो आज वो जमाना ऐसा आ गया कि हमारे पीरों ने 800, 900 बरस, 600 बरस, 500 बरस, यानी कि आज से लगभग 900 बरस तक, मैं पीछे मुझको ही लेता हूं क्योंकि पी सदगुर नूर ने इस झगड़े में कुछ नहीं कहा, और पी सदगुर नूर ने जब आके इस्माइली मजहब की यहां की शायद की है तो उनके जो गिनान हैं वो थोड़े से गिनान हमको मिलते हैं, बाकी अभी लॉस्ट हो गए। लेकिन पिशम्स के जमाने से हमारे जमात का स्ट्रक्चर अच्छा बना और पिशम्स ने हमें बहुत सी बातें की, इलम किया, साइंस सिखाई, रूहानियत सिखाई, बेतुल ख्याल की इबादत सिखाई, दुनिया सिखाई, दीन सिखाया। पिशम्स के जमाने से हम लोग ये जो मजहब है ये डेवलप होता रहा, सबसे मिलते रहे, और फिर शब्द के जमाने से ये बात निकली कि एक दिन इमाम जम्पुद्दीन में आएगा। फिर शब्द ने हमको ये कहा कि एक वो प्रॉमिस के जो सदियों से चला आता है, बल्कि लाखों वर्षों से चला आता है कि सत युग है, चार युग हैं इस वक्त हमारे, ये छेला युग है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, सत युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जिसमें हम हैं। मैं मुझे याद है किस जमात खाने में, मुझे याद नहीं, लेकिन मुंबई में 19 के अंदर 9 बरस पहले जब मैं इधर आया तब मैंने ये बात कहीं कही है। इस सतयुग के अंदर थोड़े से अजीब थे, पाप गुनाह बहुत थोड़ा था, फिर विजय त्रेता युग के अंदर थोड़े गुनाह बढ़ गए, त्रिजय द्वापर युग के अंदर गुनाह और भी बढ़ गए, गुना मर की भी हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों आदमी मर गए, कुरुक्षेत्र की जमीन लाल हो गई, इतना खून निकला, और जब ही कलयुग में जा उस वक्त आज से लगभग 7,000 बरस हुए हैं कलयुग बैठा है। सतयुग जो था 17 लाख यानी 1.7 17,64,000 बरस, विजय त्रेता युग था वो 12,56,000 बरस, त्रिजा युग जो था द्वापर 8,64,000 बरस, और ये कलयुग 4,32,000 बरस। अरे इस कलयुग के 4,25,000 बरस बाकी हैं, मगर जो बाकी हैं उसका पीरों ने हमें बताया कि बाकी ये किस तरह से हैं, तो पीरों ने कहा कि 7,000 बरस के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसमें दैत का लीगा आएगा। हर युग के अंदर हर 4,32,000 बरस के बाद एक अवतार होता रहा, और ये अवतार दुनिया के अंदर बदियां बुराइयां दूर करके सुख शांति और इल्म देवे। अभी हर जमाने के अंदर दरेक धर्म ने ये इशारे किए हैं, इमाम मेहदी आएंगे, नकलन की अवतार आएगा, क्राइस्ट आएगा,
तो वो जमाना जब ही आएगा तब तक गुनाह बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। वो वक्त हम पसार कर रहे हैं। मैंने ये सारी हिस्ट्री आपको इसलिए बताई कि इमामों के हुक्म प्रमाणे इमामों के हुक्म की जो रवनीतें जो हमको हिदायत मिले उस पर अमल करना चाहिए। आज इस नाशरी के साथ के आर्य समाजी के साथ के हिंदू के साथ के क्रिश्चियन के साथ हमारी दुश्मनी कोई के साथ नहीं, सबसे हमारी दोस्ती है, बल्कि हम इस्लाम के अंदर हैं और मुसलमानों के नजदीक जाना चाहते हैं। उनके और हमारे दरमियान जो छोटा सा डिफरेंस है, आज हम वो इस डिफरेंस को मिटा के दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन दीनदारों, ईमान का ये कहना कि तुम मुसलमानों से मिलो और दोस्ती करो और ईमान के खाने छोड़ के मस्जिद चले जाने, मैं ये नहीं कहता और मौला का मकसद भी ये नहीं है, उसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उनकी रीत भात लेके अपने ईमान को छोड़ देंगे। सुन्नियों में ईमान नहीं है, शियों में है, तो हम सुन्नियों को राजी करने के लिए हम अपने हाजिर ईमान को नहीं छोड़ सकते। हमारी जान चली जाए भले चली जाए, और ये देखो 1100 बरस से ताजिकिस्तान और बदख्शान और ये सिस्तान और अफगानिस्तान इधर के जो इस्माइली हैं 1100 बरस तक इन्होंने जुल्म उठाए। मैं 25 दफा ईरान और इस इलाके में गया हूं। 1962 में मैं ईरान गया और ऊपर गया नॉर्थ में, जिस बार बाला और पाया, बाला कहते ऊपर पहाड़ के ऊपर दो गांव है, 20 बाद एक ऊपर है एक 30 बाद नीचे है, पहाड़ी इलाका है, सुल्तानाबाद है 20 बाद है, ऐसे इर्द गिर्द के अंदर 20 गांव है कि जिसके अंदर 100% इस्माइली है। किधर मुखी कमड़िया के साथ घूम रहे थे, चीजें देख रहे थे, तो एक जगह मुझे लेके गए तो वहां मुझे बोले ऊपर देखो, ऊपर देखा तो एक दरख्त था बादाम का दरख्त और उसके ऊपर कुछ हड्डियां पड़ी थी लटकी हुई। मुझे कहते हैं ये हड्डियां ये इस्माइली की हड्डियां हैं। इधर के बाद जो बादशाह था वो जुल्म करता था और इस्माइलियों को ऐसा ऊंधा लटका देता था और हाथ बांध देता था, साथ सिर नीचे है पांव ऊपर है, खाना पीना कुछ नहीं, लटकते लटकते जो लहू है वो ब्रेन में आ जाता है और बहुत देर तक रहने से फिर ब्रेन जो है ना सुन हो जाता है, आदमी मर जाता है। वो आदमी पर्टिकुलरली एक आदमी की उसने बात की थी और वो शायर था रूद की, ऊपर लटका दिया, लटकते लटकते मर गया। बारिश हवा इसने मिलके सूरज की गर्मी ने मिलके उसके जो कपड़े थे वो आस्ते आस्ते फटने लगे, इसका गोश्त गिरने लगा, हड्डियां गिरने लगी, झाड़ के ऊपर थोड़ी सी हड्डियां रह गई, बाकी नीचे जमीन पे पड़ी रह गई। ऐसा भी हुआ है कि एक अच्छी इस्माइली फैमिली को दरबार में रख के छोटे छोटे बच्चे पहले मार डाले, 6 महीने का बच्चा पकड़ के ऐसा फेंके, नीचे 2 आदमी तलवार रखे, कौला बच्चा इस पे गिरे 2 टुकड़े हो जाए, बीवी मार डाली, बच्चे मार डाले, उसको भी मार डाला। क्यों? आगा खान का मुरीद है इसलिए, उन्होंने अपना मजहब नहीं छोड़ा, कुर्बानियां दे दी, दुख उठाए, जाने दी, लेकिन इस्माइली मजहब नहीं छोड़ा। और हम भी किसी कीमत पे इस्माइली मजहब छोड़ने को तैयार नहीं। दोस्ती सबसे रखो, मगर दोस्ती मजहब को बाहर रख के। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमें हमारी वलन को, हमारे ख्याल को, हमारे एटीट्यूड को थोड़ा बदलना चाहिए। देखो इस वक्त रमजान है, आज 22वीं तारीख है और दूसरा रोजा है जो अभी खत्म हो गया, ये रात तीसरी रात है। मैंने 1-2 दिन पहले कहीं कहा था कि कभी भी इस्माइलियों को ये नहीं कहना चाहिए कि हम रोजे नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? हमारे मौला ने नहीं कहा, यह गलत है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज वापस कहता हूं, हमारे इमाम ने कभी नहीं कहा कि तुम रोजे न रखो, बल्कि ये कहा है कि नेक अमल करो, रोजा रखो
तो साथ साथ नेक अमल करो, क्योंकि मौला कहते हैं कि अगर सिर्फ खाना पीना ही बंद करो, रोजा रखने के लिए ये है कि भाई खाना पीना नहीं, लेकिन बदियां करो, चोरियां करो, दूसरी बदफेलियां करो, ढीबत करो, तो मौला कहते हैं ये तो गधेड़े का रोजा हुआ, गधे का मुंह बंद दो, उसका खाना पीना बंद हो गया, तो तुमने भी ऐसा किया। सच्चा मोमन वो है, मौला कहते हैं कि वो 365 दिन रोजा रखता है, मगर वो 365 दिन रोजा है वो रूह का रोजा है। झूठ नहीं बोले, बदी नहीं करे, गइबत न करे, किसी का हक न खाए, किसी के ऊपर जुल्म न करे, और फिर वो रोजा रखे तो वो तो फरिश्ता बन जाए। मौला ने हमको हमारे आमाल और कैरेक्टर के लिए कहा, ऐसा कभी नहीं कहा कि रोजा न रखो, मगर रोजा रखो और फिर बुरे आमाल करो, बदफेली करो, गुनाह करो, तो मौला कहते हैं कि ये रोजा गधे का रोजा है, हमारे इमाम ने कभी नहीं कहा। और मैं तो कहता हूं आपके सामने बैठा हूं इसके जमात से भी, अभी उम्र के हिसाब से और कुरान और हदीस ने हमको एग्जेम्पशन दी है, जिस वजह से मैं कभी कभी रोजा रख लेता हूं, नहीं तो आज से बहुत बरस पहले जब बिल्कुल ठीक हालत थी तो मैं खुद 24-25 रोजे रखा करता था। हमको छूट यह है कि अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम रोजा छोड़ दो, ना करो, ना रखो, क्योंकि मुसाफरी में इंसान अरेंज नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो रखना चाहिए। बूढ़ा आदमी है बहुत, रोजा रखने से कमजोरी आती है, ना रखो। एक बाई है कि जिसके पेट में बच्चा है वो भले ना रखे, एक बाई है कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो ना रखे, एक आदमी बीमार है दवा को खानी पड़ेगी वो रोजा ना रखे, 10 बरस के नीचे बच्चे हैं वो रोजा ना रखे, बाकियों के ऊपर रोजा लाजिम है। लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है तुम रोजा रख सकते हो और कोई कारण से नहीं रखना चाहते तो एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाओ तो तुम्हारा रोजा कबूल है। मुसलमान भाइयों को पहले तो कोई भी दिन मजहबी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसी बात आ जाए तो आप उनको कह सकते हो कि क्या ये सच है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाने से वो एग्जेम्पशन मिलती है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा कि हाँ, उनको बोलो एक वजह से मैं रोजा नहीं रखा लेकिन मिस्कीन को खाना खिलाए, खुदा का हुक्म मान। 5 चीजें हैं इस्लाम के रुकन में, कलमा शहादत, नमाज, ज़कात, ये 2 लाजिम चीजें हैं, इसकी कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन रोजे और हज की ऑप्शन है। कोई आदमी खुद हज पे नहीं जा सकता, बिजनेस या अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकता, तो जो आदमी हज पे जाता है उसको पैसे की मदद करे, आधा खर्चा दे रहे, या किसी आदमी को बोले कि मैं खर्चा देता हूं तू मेरे तरफ से हज करके आ, तो बिल्कुल इस्लाम के अंदर रजा है, छूट। और हज लाजिम नहीं है, और रोजे भी जो है वो नमाज और जकात के दर्जे की लाजिम नहीं है, क्योंकि नमाज और जकात के अंदर कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन रोजों में ऑप्शन है। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो और इस्लाम को सीखो। हमारा मजहब जो है वो इस्माइली है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान नहीं तो हम इस्माइली भी नहीं, क्योंकि जो नॉन मुसलमान है वो इस्माइली नहीं हो सकता। इस्माइली मजहब में आने के लिए मोहम्मद का कलमा पढ़ना चाहिए, इस्माइली मजहब में आने के लिए खुदा की वहदानियत जो है उसको मानना चाहिए, इस्माइली मजहब में आने के लिए कुरान के ऊपर ईमान होना चाहिए, कुरान हमारी किताब है। भला मैं पूछूं और आप किसी मुसलमान भाई से बातचीत हो गए तो उसको कह भी सकते हो कि कुरान किसके घर में उतरा, मोहम्मद के घर में उतरा, अली के घर में उतरा, हसन हुसैन के घर में उतरा, हजरत अबू बकर के घर में कुरान नहीं उतरा, हजरत उमर के घर में कुरान नहीं उतरा, हजरत उस्मान के घर में और दूसरे जो असहाब थे उनके घर में कुरान नहीं उतरा, कुरान अली नबी के घर में उतरा।
कुरान हजरत इमाम के घर में उतरा, कुरान के ऊपर हमारा हक ज्यादा है दूसरों से, और कुरान है वो पाक किताब है, कयामत तक के लिए कुरान हमारे लिए लॉ और दौरवानी देने की चीज है। लेकिन उसका ट्रांसलेशन कोई मौलवी मुल्ला ने किया हो, हम वो ट्रांसलेशन फॉलो नहीं करते, हम अपने हजरत इमाम का फरमान फॉलो करते हैं कि जो कुरान का हाकिम है, कुरान का हामिल है, रासिखुल फिल इल्म है, इस तरह हमने इमाम को इमाम समझा है। हमारा इमाम मुसलमान है, हमारा दीन मुसलमानी दीन है, इस्लाम है। ये चीजें आज हमको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। हम लोग अगर इस्लाम नहीं सीखेंगे, अगर हम लोग मुसलमानों के साथ नहीं मिलेंगे, तो हम लोग हजरत इमाम के प्लान के अंदर अड़खेली करेंगे। हजरत इमाम को ये चाहिए कि ऐसा जमाना 50-100 बरस के अंदर आएगा कि इस्लाम की लीडरशिप हजरत इमाम को लेनी पड़ेगी, इस जोमे में नहीं लेगा तो दूसरे जोमे में लेगा। लेकिन आने वाले 50-100 बरस के अंदर अंदर ये बात बनेगी, और आहिस्ता आहिस्ता बन रही है कि सारी दुनिया के मुसलमान ढूंढेंगे कि आज रसूल कौन है, और इसके सिवा कोई दावा नहीं करता। अभी हसद के कारण से इसको नहीं मानते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की आप स्टडी करो, न्यूज पढ़ो, आगा खान फाउंडेशन है, आगा खान हॉस्पिटल है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, आगा खान हेल्थ सर्विसेज है, आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड शुरू किया, आगा खान के नाम से अभी दुनिया के अंदर जागृति आ रही है। ये जो जागृति बढ़ती जाएगी, बड़े बड़े प्रोफेसर और आलिम जो है मुसलमानों में, वो हजरत इमाम को बहुत इज्जत देते हैं और कहते भी हैं कि ये आले रसूल है, इस जैसा कोई नहीं। अल्जीरिया एक मुल्क है अफ्रीका के अंदर, और वो लोग सबके सब मुसलमान हैं, मगर फंडामेंटलिस्ट बहुत है, सुन्नी है ज्यादा। इनमें से एक प्रोफेसर जो अभी उधर है पेरिस के अंदर, आरकून, प्रोफेसर आरकून कनाडा आया, मैं उसको पर्सनली मिला, तो बड़ा अच्छा ओरेटर भी है, बहुत अच्छा राइटर भी है। उसकी एक वीडियो टेप भी ली हुई है इस्माइलियों के साथ गुफ्तगू करने के लिए। वो कहता है तुम लोग इस्माइली लोग एक ही ग्रुप है इस्लाम के अंदर कि जिसके पास अथॉरिटी है, बाकी जितने भी मुसलमान हैं उनके पास अथॉरिटी है ही नहीं। और फिर वो ये भी कहता है कि ये जो आगा खान है ना, तुम इसको जो हाजर इमाम कहते हो वो बिल्कुल सच बात है, ये आजकल का मॉडर्न जाफर सादिक है। टोरंटो गए, उधर इस्माइलियों के अंदर उसने लेक्चर दिए, वैनकूवर भी आया था, और इस तरह उसने लेक्चर दिया और हजरत इमाम को हजरत इमाम भी बोले। तो एक लड़का उसने खड़े होकर पूछा, आर यू इस्माइली? तो हंस के कहता है, व्हेन डिड आई से आई एम नॉट इस्माइली? उसने पूछा, क्या तुम इस्माइली हो? तो उसने कहा, मैंने कब कहा कि मैं इस्माइली नहीं? किस तरीके से कहेगा? आज दुनिया के वो ऐसा इस्माइली बना नहीं है कि जमात खाने में आवे या उसने अजरे में की बयत नहीं की है। लेकिन हजर इमाम को बहुत मानता है और मौलाना हजर इमाम के साथ अभी काम करता है। ऐसे दुनिया में जो एजुकेटेड प्रोफेसर्स और आलिम और समझदार मुसलमान हैं वो मौला के नजदीक आ रहे हैं। ये जो फरहान दफ्तरी है ये इस्माशरी है, इसने इस्माइली हिस्ट्री लिखी है। हिस्टोरिकल पॉइंट से उसने ये लिखा है, कुछ ऐसी जगह जरूर है कि जहां उसने कुछ भूल की है और हमारे खिलाफ भी रिपोर्टें उसने रखी हैं कि जिसका जवाब देने वालों ने जवाब उसको दे भी दिया है, लेकिन आलिम है और हजरत इमाम की इमामत को कबूल भी किया उसने। ताजिकिस्तान हजरत इमाम के साथ गया था, शक हो गया,
اسماعیلیوں کا ادب عزت کہ حضر امام کی جو محبت دیکھ کے. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے جو عالم شخص ہیں مسلمان وہ امام کے نزدیک آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ 50 برس کے اندر یا تھوڑا اوپر کم زیادہ مسلمان امام کے پاس آئیں گے. اس کے نانا کی امت ہے, یہ اس کا وارثہ ہے نانا کا, تو یہ چھوڑے گا نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے تھے سبزلی کو کہتے ہیں اے سبزلی مسلمان جب درود پڑھتے ہیں درود یعنی صلوات تو سلمان مجھ پہ آتی ہے کیونکہ میرے سوا کوئی نہیں ہے ابھی ساری دنیا کے اندر آل رسول میں. سید جو ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے نسل میں اپنے آپ کو مانتے ہیں لیکن وہ آل رسول نہیں ہے, حضر امام کے سوا کوئی دعویٰ نہیں ہے. تو میری آپ کو یہ عرض ہے کہ اپنی ولد میں تھوڑا اسلام کی طرف انٹرسٹ لگاؤ, ان سے ملو ملو ہلو ملو, اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ ظاہر کرو اور اسلام کے اصولوں پہ جو اصول اسماعیلی مذہب نے سکھائے ہیں اس حساب سے, مذہب اسماعیلی دین ہمارا مسلمانی اسلام ہے لیکن ہم اپنے امام کی دوروانی پہ چلیں گے, کسی ملا مولوی کی بات نہیں سنیں گے. ہم قبر پرست نہیں ہیں, قبروں پہ جا کے مقبروں پہ جا کے جس طرح سے یہ شیعہ مسلمان زیارت پہ جاتے ہیں ایسا ہم نہیں جاتے. بہت سے لوگ جب کیڑوں سے جاتے ہیں تو آسمان پہ امام سلطان محمد شاہ کا مقبرہ ہے ادھر ادھر جا کے وہ جو مجاور ہیں دو ہیں اور یہ لوگ 3-3 گھنٹے دونوں جنے چند قرآن پڑھتے رہتے ہیں 24 آورس. 3 گھنٹے ایک مولوی پڑھے پھر دوسرا آ جاوے یہ اٹھ کے چلا جاوے, تو ایوری 3 آورس مولوی بدلتے ہیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تمہارا امام ادھر دفن ہے تو تم اسماعیلی لوگ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ امام دفن ہے, اس کا بدن دفن ہے, ادھر سے کچھ زوربانی ملنے والی نہیں ہے نہ کچھ دعا آشیش ملنے والی ہے, ہمارا امام تو بیٹھا ہے پیرس میں حاضر بیٹھا ہے. تو کہتے ہیں بات سچ ہے, حاضر بیٹھا ہے تو ہم مردے کے پاس کیا جائیں, اور ہمارا جو امام ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. بھلے ہم اس کو کہتے ہیں یہ 50 امام ہے, بھلے سلطان محمد شاہ 40 امام تھے, مطلب یہ ہے کہ امامت کے نور نے 48 دفعہ سوٹ بدلا اور ابھی نوا سوٹ 49th سوٹ پہنا ہے. شریر تو سوٹ کپڑے ہیں, امام کی جھوت جو ہے وہ ہمارا ایم ہے. ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں نور پرست ہیں, ہمارا سارا مذہب جو ہے ہمارا طریقہ ہے اس کے اندر نور کی کانسیپٹ اور نور کی مانیتا ہے, کیونکہ نور جو ہے وہ خود خدا تعالی ہے, نور جو ہے وہ اتھارٹی ہے, نور ہے وہ انرجی ہے, نور ہے حیات ہے اور وہ ہمیشہ حیات ہے. نہ کبھی بیمار پڑتا ہے, نہ اس کو بھوک لگتی ہے, نہ اس کو بیماری آتی ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے, کوئی چیز نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یعنی کہ وہ خدا تعالی ہے, ہر وقت جیتا ہے اور قائم ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, نور ہے. مولانا حضرت امام کھانا کھاتے ہیں, نیند بھی کرتے ہیں, سکین کرتے کرتے پاؤں توڑ دیا تھا تو کیا خدا کا پاؤں ٹوٹ گیا؟ نہیں نہیں کر, ہم حضرت امام کے بدن کو خدا نہیں کہتے کبھی نہیں, لیکن اس کا جو نور ہے وہ الہی اتھارٹی ہے. ایک آدمی بہت عبادت کرے, نیک رہے, اچھی زندگی گزارے تو مر جانے کے بعد وہ خدا کے نور میں مل گیا تو خدا بن گیا نا, پھر وہ جدا نہیں ہے. نبی اور امام, جس دن امام یا نبی بنتے ہیں ان کے شریر میں جو آتما ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ اللہ کے نور کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. ہم مرنے کے بعد واصلات ہوتے ہیں, فنا فی اللہ ہوتے ہیں,
नूर में नूर मिल गया, लेकिन जो इमाम है वो जीते जी खुदा के नूर के साथ एक हो गए, इसलिए हम उसके नूर को खुदा कहते हैं, उसका बदन खुदा नहीं है। ये चीज जब भी आप समझो अच्छी तरह तो बैतुल ख्याल में आपको इसकी समझ और भी मिलेगी। कम नसीबी से जमात खानों में मुझे रिपोर्ट मिली है कि सुबह की हाजिरी बहुत घट गई है। मोमिनों, मैं आपको होशियार करना चाहता हूं, आधी जमात के पास बैतुल ख्याल के बोल है, सुबह आया करो, इबादत करो, दुनिया के मिलने की दीन भी मिले, और इबादत करना हमारा फर्ज है। हमने हजरत इमाम के साथ प्रॉमिस किया कि हम सुबह रोज उठ के तेरी इबादत करेंगे, तभी तो बोल मिला, और अब हम सुस्त हो जाए, बेदरकार हो जाए, मुनासिब नहीं। सुबह की इबादत से आपको वो समझ आएगी कि आप दुनिया के अंदर फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं, मैं अमेरिका अपने लड़के को भेजूं कि ना भेजूं। लोग पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं, मैं ये काम करूं कि ना करूं। अगर आप इबादत करोगे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, अंदर से आपको दौरवानी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और वो दौरवानी ऐसी होगी कि आपको बिल्कुल पक्का यकीन होगा कि ये मौला की दौरवानी है, उसमें कोई गपबाजी की बात नहीं। और सुबह की इबादत हमारे इस्माइली मस्जिद का जो मेन मुद्दा है, हमारे इस्माइली मस्जिद की जो खास जरूरत है, तो वो रूहानियत को ऊंचा करने की बात है। इसके लिए सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत है। याद रखो, इबादत जो नहीं करोगे तो इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा। अब ये दुनिया, ये जमीन जो है, जो कभी हम जमीन से ऊंचे हैं, 40-50 फुट ऊंचे हैं, धरती के ऊपर हैं, भले 40-50 फुट ऊंचे हैं, 40,000 फीट ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, धरती और उसके बीच में 40,000 फुट का फर्क है, लेकिन वो भी धरती के ऊपर है क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं गया है। तो मरने के बाद धरती ही के एटमॉस्फेयर में रूहानी शरीर में रहेंगे। ये जिस्मानी शरीर मिले के ना मिले, लेकिन इसी दुनिया के एटमॉस्फेयर के अंदर मौत के बाद जो हमको रूहानी शरीर मिलेगा, उसमें इबादत करके एक बरस लगे कि 1,000 बरस लगे, मगर इबादत के बगैर छुटकारा नहीं। हम इस वक्त आलम नासूत में हैं, रूहानी आलम में दीन के अंदर 4 दर्जे हैं, दीन के इल्म के भी 4 दर्जे हैं, शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, मारिफत है, और एक सारा गिनान ये 4 तरीके के ऊपर लिखा हुआ है कि शरीयत करी जानी है। लेकिन रूहानियत के लिए 4 दर्जे हैं, आलम नासूत है, आलम मलकूत है, आलम जबरूत है, आलम लाहूत है। इन 4 कस्बों के अंदर जो नीचे का है आलम नासूत, यानी जो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, इस आलम को कहते हैं नासूत। जमीन के ऊपर रहने वालों को ये आलम नासूत में रहते हैं यूं कहते हैं। इस जमीन के ऊपर 350-450 माइल तक जमीन का एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर रूहें रहती हैं, फरिश्ते रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं। मरने के बाद इंसान ने अगर पूरी तरह कमानी नहीं की तो आलम नासूत में से निकल के मलकूत में नहीं जा सकेगा, आलम नासूत में ही रह के रूहानी शरीर के अंदर रह के एस्ट्रल बॉडी के अंदर रह के वो इबादत बंदगी करेगा, क्योंकि वहां मर जाने के बाद दुनिया के धंधे नहीं है, गुनाह नहीं होते, कि वहां इबादत ही इबादत है। मगर ये याद रखो कि आप अगर इधर, जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजादार ने बैतुल ख्याल में फरमाया है कि 1 घंटे की सच्ची इबादत फरिश्तों की 40 बरस की इबादत के बराबर है। ये जो डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट है, अब इस 40-42 रुपए 1 डॉलर के, लेकिन ये डॉलर लेके आप उधर चले जाओ तो डॉलर का डॉलर ही है अमेरिका के अंदर।
इधर जो रेट है हमारे आमाल का, तो आप ख्याल तो करो कि भाई जाहिर है ना, जो अभी कांगो वापस हो गया, 800-900 की जमात है और मोस्टली इंडिया से गए हुए हैं, वहां जब जाहिर बना तो $2 का एक जाहिर था, $2 का एक जाहिर। अभी तो जाहिर निकल गया, नाम खाली है, लेकिन $1 में 1 मिलियन जाहिर है, $1 में मिलियन। तो इस तरह से हमारा जो रेट ये है, एक का 1.25 लाख। आप इधर एक सलवात पढ़ो तो ऊपर किताब में 1.25 लाख सलवात पढ़ी, इसका क्रेडिट लिखा जाएगा, इतनी सलवात जमे हुई। इधर आप 1 रुपया मौला के रास्ते में खर्च करो तो ऊपर आपके क्रेडिट में 1.25 लाख जमे होगा। लेकिन जब हम मर जाएंगे और उधर जाके हम एक सलवात पढ़ेंगे तो वो एक ही सलवात होगी, 1.25 लाख नहीं होगी। इस दुनिया के अंदर रेट बहुत सस्ता है, इस दुनिया में, और इस दुनिया के अंदर 100 बरस के 50 बरस जो कुछ भी मिले हैं, अगर हमको अच्छी तरह से उपयोग करें, अरे हम तो करोड़ों अब्जोपति बन जाएंगे, ऊपर फरिश्ते सलाम करेंगे, हाथ बांध के खड़े रहेंगे। लेकिन इधर खूब बहुत मजा किया, ऊपर गए तो क्रेडिट में कुछ नहीं, एक केला भी ऊपर जाकर खरीद नहीं सकेंगे, हालांकि केले मिलते नहीं, मैं खाली आपको 10 लाख रुपए देता हूं, कुछ नहीं ले सकेंगे। इसलिए वहां बहुत लंबा टाइम रहना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। यहां अगर आप 1 बरस बंदगी करोगे तो ये बंदगी आपको उधर के 1000 बरस के बराबर होगी। तो ये लोग जो आसमान और जमीन के बीच में, ये जो एटमॉस्फेयर में रहने वाले हैं, वो लोग भी दुनिया ही में हैं, भले हमें आंख से दिखते नहीं और दुनिया पे उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो दुनिया ही में है। तो ऐ मोमिनों, मौलाना हजरत इमाम के इस हुक्म को याद करो कि 1 घंटे की सुबह की इबादत फरिश्तों के 40 बरस की इबादत के बराबर है। 40 बरस, वो उसके अंदर एक कलाक की बात नहीं है, 40 बरस के 1 चालू यानी 24 घंटे दिन के और 365 दिन बरस के, ऐसे 40 बरस। तो हमारी तो सारी जिंदगी में भी ये 40 बरस की इबादत नहीं होती। सुबह की इबादत से दिल खुश होता है। मुझे एक आदमी परसों तरसों पूछने के लिए, मिशनरी भगवान मेरे में क्रोध बहुत है, जल्दी गुस्से हो जाता। मैंने कहा ना गुस्से तो हो जाएगा, गोश्त बहुत खाते हो? कहता हाँ। मर्च मसाला बहुत खाते हो? कहता हाँ। जमात खाने रोज जाते हो? शुक्रवार को जाता हूँ। बोल है? हाँ। बंदगी करते हो? नहीं करता। तो मैं बोला क्रोध ना होवे तो तेरे को क्या कोई डायमंड मिलेंगे? हमारी नेचर खराब हो जाती है, हमारा स्वभाव खराब हो जाता है, हमारी आदतें खराब हो जाती है, हमारी विचार शक्ति खराब होती है, हमारी नजर बद हो जाती है, हमारे कान बदियां सुन के खुश होते हैं, हम तो डिटीरियोरेट होते हैं। इंग्लिश में जो लफ्ज है ना डिटीरियोरेट, आस्ते आस्ते सड़ता रह गए और गलता रह गए और मिट जा रहे। इबादत के बगैर हमारा अंतकरण, हमारा वजूद, हमारे ख्याल, हमारा आत्मा, हमारा जीव, ये गलते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और मौत तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो गया, कर्जा हो गया, दिवालिये हो गए। कमाई तो कुछ नहीं की, अपना जो कैपिटल था वो भी न रहा, उल्टे दिवालिये हो गए। लेकिन इबादत है जो हमको बचाएगी, क्योंकि सुबह की जो इबादत है वो रूहानी शक्ति को मजबूत करती है और रूह जो है वो हमारी अक्ल पे असर करती है और अक्ल है वो हमारे ख्याल विचारों के ऊपर असर करती है और अच्छे विचार जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर असर करती है। अच्छे विचार हमारे जीव को ताकतवर बनाते हैं, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। मोमिनों, मैं आपको खुदा की कसम खा के सच कहता हूं,
मौला ने कहा है, सुल्तान महमूद शाह ने भी कहा है कि कसम मत खाया करो, लेकिन कसम खाने की जरूरत पड़े तो अल्लाह की कसम खाओ, क्योंकि उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो मैं खुदा की कसम खा के आपको कहता हूं कि इबादत करने वाले आदमी का शरीर भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है, हर वक्त खुश और प्रफुल्लित रहता है, उसके दिल के अंदर कोई भय नहीं होता, डर नहीं होता, उसको अपनी नजर में भी इज्जत होती है। बदकार आदमी, गुनहगार आदमी, नीच आदमी जानता है कि मैं नीच हूं, तो वो अपनी नजर से भी गिरा हुआ है। मगर जो इबादत वाला है उसकी नजर मौला पे पड़ी रहती है 24 घंटे, वो 24 घंटे ऐसा फील करता है मौला मेरे साथ है, और सचमुच वो साथ है। 24 घंटे जिसके साथ मौला हो गए वो कोई बुरा काम करेगा? 24 घंटे जिस आदमी को ये अवेयरनेस हो कि मेरे साथ मौला है वो बद काम नहीं करे। और इबादत हमको जगाती है, ओपन माइंड रहता है इबादत में। इबादत करने से हमें वो चीजें मिलती हैं कि जो जबान से कही नहीं जाती। इबादत करो सुख शांति पाओ, रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। बैतुल ख्याल की इबादत करने से आपको कोई लॉटरी नहीं लग जाएगी, आपको बहुत मालदार नहीं बन जाओगे, लेकिन सुखी जरूर रहोगे, तंदुरुस्ती रहेगी, इज्जत आबरू बचेगी, मन में सुख रहेगा, घर में सुकून और सुख रहेगा, यारों दोस्तों के अंदर भी सुख रहेगा, और बिजनेस जरूर ऐसा होगा कि आपको मौला मोहताज नहीं होने देगा। मालदार बनना कोई सुख की बात नहीं, बल्कि उल्टा जो आदमी मालदार बनते हैं वो उसके हिसाब में पढ़ के दुखी होते हैं, कहां किस बैंक में क्या पड़ा है, क्या रेट है उसका, ये मुसीबतें इंसान को दुख में डालती हैं। एक बात जरूर मानो कि या मौला मोहताज न करना, न पैसे में, न रोजी में, न तंदुरुस्ती में, और वो नहीं करने देता। जो उसका बच्चा है इबादत करता है, मौला उसका हाथ पकड़ता है, जैसे कि हज़रत इमाम फरमाया जीवन में दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। तो ये जो हमारा मजहब हमारा दीन है उसके ऊपर रहो, मगर जो हज़रत इमाम की बयत करे के बाद अपनी मर्जी से चले तो वो राह चूक गया, दोज़ख में जाएगा। गिनन बोलो, दीन छोड़ी जे कोई दावे पड़िया हाचूका पापी साथ सुखड़िया आप बुरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किसका दामन पकड़ा है हमने, जब हमको गुनहगार समझ के पकड़ के खड़ा किया जाएगा तो रसूलुल्लाह बीच में आके कहेंगे ऐ खुदाया मेरा कलमा पड़ा है, तुझको मानता है, इंसान है, भूल का पात्र है, मैं सिफारिश करता हूं तू इसको बख्श दे, तो खुदा उसके कहने से बख्श देगा। ये ऐसा है, बच्चे ने मस्ती तूफान किया, दो तीन चीजें तोड़ डाली, बाप डंडा लेके खड़ा हो गया, माँ बाप की आई तो बीच में भाजपा भाग गया चले जाते, बच्चा है कि क्या हुआ, पीर का काम है, पीर माँ है और रहम से भरी हुई है, पीर दे प्रसाद है मोहम्मद दिखा,
نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا مانگو میرا واسطہ دو. ہم کو مسلمان شاید بھول گئے لیکن ہم کو پیروں نے کہا جب بھی دعا مانگو پیچھے پرساد شاہ تجھے درگاہ میں قبول کر رہا. ہم پیر کا واسطہ دیتے ہیں اور یہ پیر نبی محمد مصطفیٰ ہے اور پیر کا نور ہے. یہاں مطلب مولانا حضرت امام کے پاس علی کا نور بھی ہے نبی کا نور بھی ہے. ہمارا جو مذہب ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے اتنا اچھا مذہب ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی جنت ملے اور مرنے کے بعد بھی جنت ملے. رہنے کے لیے گھر ہے, ایک آدھ کچھ سواری ہے, موٹر نہیں تو کیا بولتے ہیں اسکوٹر ہے, اسکوٹر نہیں تو سائیکل ہے, کچھ ہے نہیں. کھانے پینے کے لیے اتنا ہے کہ بھیک مانگنے کی یا ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. چھوٹا سا بزنس ہے یا نوکری ہے, کھا پی کے 5-25 روپے بچ بھی جاتے ہیں. تندرستی ہے, باہر جاؤ تو لوگ یادیں کرتے ہیں, کوئی گالی نہیں دیتا کسی کے ساتھ, بدی برائی نہیں, دشمنی نہیں. کیا یہ آپ کو جنت نہیں لگتی؟ رات کو سوتے ہو جلدی سے نہیں ڈال جاتی ہے, 2-4-5 کروڑ روپیہ ہے, بہت سے گھر ہیں, کرائے آتے ہیں, 2-3 ہوٹلیں ہیں, لیکن کھانا کھانے کی توفیق نہیں کیونکہ پیٹ خراب ہے, مجھارا ہوتا ہے, پیسے بہت ہیں, تندرستی نہیں. تو ابھی مجھے یہ بتاؤ, وہ گھر میں جھگڑے ہیں, باہر کچھ نہیں, ہر وقت پیسے کا خیال رہتا ہے. تو یہ سکھ اور وہ سکھ, میرے کو پوچھو تو وہ سکھ, بھلے غریب ہوئے مگر محتاج نہ ہوئے, سر پہ کوئی جان کا قرضہ نہ ہوئے, ایسی عادت ہوئے کہ کھا پی کے 2 پیسے بچتے بھی ہوں گے, اور تندرستی ہے, عزت ہے, درست سلامت ہے, واہ واہ, یہ تو جنت کی دنیا ہو گئی اس کے لیے. لیکن پیسے والا بن کے دکھی ہونا اور پیسے کے لالچ کے اندر انسان ایک وہ بھی کام کر لیتا جو نہیں کرنے والے ہیں, آج سب کے مغز میں تو نہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے دماغ کے اندر ڈالر گھسا ہوتا ہے. یہ ڈالر کو اپنے مغز میں سے نکال ڈالو, یوں بھی ڈالر 4-5 برس کے اندر خود ہی نکلنے والا ہے. یورو آ گیا نا, یورپ کی جو نئی کرنسی آئی ہے, میرے اندر بچار ہیں, کچھ اور نہیں سمجھ لینا. یہ جو یورپ کی نئی کرنسی 1 جنوری کو چالو ہوتی ہے, 5 برس کے اندر ڈالر کو پچھاڑ دے گی. تو اس وقت کیا اس کو چھوڑ کے یورو کے پیچھے پڑو گے؟ ایسا نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال ہے نا, مال کی تمام نہیں ہونی چاہیے. اچھی زندگی ملے, آسودہ ہوئے, آرام کی زندگی ملے, محتاجی نہیں ملے, قرضہ نہ ہوئے, مولا سے ویسی زندگی مانگو. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں, اگر 10 ون برابر دو گے تو برکت ملے گی, اگر روز جمع کرنے آؤ گے تو دل میں شانتی ہوگی, اگر اپنے گھروں میں دکانوں میں سارا دن کچھ نہ کچھ طریقے سے یالی یالی کرتے رہو گے یا اللہ اللہ کرتے رہو گے یا محمد کرو گے, پیر شاہ کرو گے, کوئی بھی امام کا نام بھی لوگے, تو آپ کے یہ سارا ٹائم عبادت میں جائے گا, آپ گناہوں سے بچو گے, آپ اپنے بلائیں دور ہو جائیں گی, من میں سکھ اور شانتی رہے گی, مجھارا نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا. اگر امام کے دامن پکڑ کے کوئی آدمی کبھی دکھی نہیں ہوا, اور اگر اپنے مذہب کے اوپر اس طرح سے چلو گے تو عمر بڑھے گی. عمر کیوں بڑھے گی؟ تندرستی رہے گی, اور تندرستی کے ساتھ ساتھ چنتا دیادی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ من میں روحانی سکھ شانتی ہے. تو ایسے آدمی کو بیماریاں نہیں آتی, عمر بڑھتی ہے, اور عمر بڑھتی ہے تندرستی کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ. اور عمر بڑھے تو ہم تھوڑی بندگی اور بھی کریں, عمر بڑھے تو ہم سخاوت بھی کریں, دسمند بھی دیں, مولا کے گھر کی خدمت کریں, دوسروں کا کام کریں. اور اپنی زندگی میں ایک بات اور بھی لکھ لو دیندارو, قرآن کے حساب سے ہر آدمی کو اپنی آوک کا 5واں حصہ 20% اور پھر اس کی ڈویژن خدا نے بنائی ہے 10 حصے اشرک 80% زکات,
ये दो मिलके सारे 12 चक्का शापीर का हाथ ये निकाल दिया, जिसको हम जसवंत कहते हैं। जसवंत जो है वो 8 रुपए में से 1 रुपया है, यानी कि 12.5% है, बाकी बचे 7.5%। तो अल्लाह कहता है ये 7.5% भी तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी फैमिली में कोई रिश्तेदार जो है तकलीफ है उसकी मदद करो। अल्लाह कहता है तुम्हारे पड़ोस में कोई रात को भूखा सोता है और तुम खा पी के मजे से पेट पे हाथ फिराते हो। हाथ फिराना मेरा मेरे वर्ड्स हैं, अल्लाह के नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि तुम खा पी के सो जाओ, तुम्हारा पड़ोसी जो है वो भूखा सो गया तो तुम्हारे से ही सब मांगेगा। तो ये जो 7.5% है वे मनुष्य जात के अंदर अपने सगे कुटुंबियों के अंदर अपने देश के लिए इसमें से खर्च करो, खैरात करो, गरीबों को दो और मदद करो, किसी की बीमारी के अंदर दवा दारू के पैसे दे दो, को बच्चा गरीब है फी नहीं दे सकता तो उसकी फी दे दो, आपके काम पे बात आई, कोई सगा कुटुंबी कोई यार दोस्त लड़की की शादी करता है लेकिन उसके पास पैसे की तंगी है, गुपचुप उसको कुछ 2-5 हजार दे आओ। मतलब कि ये बाकी के जो 7.5% है ये वो रखने के लिए नहीं, ये भी यूज करने के लिए, लेकिन उसका यूज मौला ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। दसवंत वाले वाजिब है मुख्य कमरिया के हाथ में दो, जो मौला ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। और ये 7.5% है वो आप अपने सगे कुटुंबियों में, यारों दोस्तों में, जमात में, देश में, सारा देश जो है वो हमारा घर है, तो इन लोगों की मदद करो। मगर देख के करो कि मैं इसको कभी 100 रुपया दूं तो ये क्या करेगा, बीड़ी फूकेगा, शराब पिएगा, वल्ला खुदा की कसम इसकी मदद कभी नहीं करो। पैसा खैरात में तो नहीं गया बल्कि आप उल्टे के गुनहगार हो गए। आपने एक आदमी को बद काम करने के लिए उत्तेजन दिया तो चोर के साथी को भी चोरी का इल्जाम में पकड़ लेते हैं। इसके लिए हमको पीरों ने ये कहा है कि तुम जब भी दान करो तो सुपात्र देखे न दान कीजिए, यानी कि अच्छी जगह तुम्हारा पैसा खर्च हो गया। अभी तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, आगा खान फाउंडेशन में भाई 2000 रुपया दे दिया, आगा खान फाउंडेशन ये पैसे एजुकेशन के लिए जाते हैं, हेल्थ के लिए जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको कुछ नहीं आता उनको तैयार करते हैं, सिखा के कमानी करना सिखाते हैं। आगा खान फाउंडेशन जैसी और तो कोई सखावत करने का रास्ता अच्छा है ही नहीं। अपने जीवन की गवर्नमेंट का हक टैक्स देने के बाद 20% उसमें से ये है कि रश्मत निकालो, 7.5% खैरात करो, आपको बहुत इसमें से बरकत मिलेगी। मौलाना सुल्तान अहमद शाह की एक बात सुनो, मौलाना सुल्तान अहमद शाह सल आपको जिंदा, ऐसा ही एक आदमी बहुत तंग था, गरीब था। मौला ने पूछा दसवंत देते हो तो कहते खुदा पूरे नहीं दे सकता क्योंकि कर्जा बहुत। सुल्तान अहमद शाह फरमाया दसवंत बराबर दो, जरूर बरकत हो, जमा खाने जाओ दसवंत दो, ईमान सलामत रहेगा और तुम आशुदा बनोगे। लेकिन देखो अपने माल में से थोड़ी खैरात भी करो। एथिक्स ऑफ इस्लाम के अंदर जिस पर मौलाना हाजिर इमाम इतना जोर देते हैं आजकल, उसके अंदर ये चीज भी है खैरात। मुर्तजा अली अपने घर के बाहर ऐसा करके हाथ को ऐसा रखा है, आंखें नीची हैं, जैसे कोई आदमी बड़े अफसोस में पड़ा हो। 5 साल मकान छोड़ के एक यहूदी था पड़ोसी, पहचानता तो ऐसा निकला तो बोला यारी क्या बात है आज इस तरह आप गमगीन बैठे हो। मुर्तजाली ने कहा 3 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया, 3 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया तो मेरे घर की बरकत नहीं है। बोला तो 2 जहान का मालिक है मगर उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना दी कि जिसके घर में मेहमान जावे, जो कि मेहमान अपनी रोजी लेके जाता है
روزی خدا دیتا ہے, لیکن اللہ نے کیا کیا, اس کی روزی کو آپ کے گھر پہلے ایڈوانس میں بھیج دیا اور اس کو بولا تو جا ادھر جا کے کھا لے, تو آپ کو اس کا بہت ثواب ملتا. واللہ باللہ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے گھر میں برکت ہوئے ہر روز, تو شاید آپ سے نہ بن سکے, بن سکے تو خوش نصیب ہو, آٹھ دن میں ایک دفعہ تو کسی مہمان کو لے آؤ, اس کو کھلا. آپ کے گھر میں اس کی روزی آئی ہے, خدا نے آپ کو چنا ہے کہ اس کی روزی آپ کے گھر میں آئے. مہمانداری کے اوپر تو پچھلے دن نے ایک آقا گنا لکھ دیا کہ جو مہمان آوے تو اس کے لیے گدلے بچھاؤ, اس کے پاؤں دھلاؤ, سیاں جینا وایو کرو, یعنی کہ پنکھا ہلاؤ, کھیر کھنڈ بھوجن کھلاؤ, اس کے سارا گنا اس کے اوپر ہے. جو کہ کہنے کے لیے یہ ہے کہ حضر امام کا مہمان آوے تو اس کی مہمانداری کرو, لیکن مہمانداری کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. سب سے بڑا مہمان, مالک, سیٹھ, دینے والا یہ دھنی سلامت ہے. برکت چاہیے روزی رزق میں, اپنے گھر میں سے کچھ نہ کچھ نانی لے کے آؤ. یہ نانی ہے, یہ امام کی مہمانی ہے. مولا کہتے ہیں یہ نانی ہم کھاتے ہیں. نانی لے کے آؤ, بھلے ایک ایپل لے آؤ, کچھ پکانے کا بندوبست نہیں ہوا, دودھ لے آؤ, فروٹ لے آؤ, جو گھر میں کھاتے ہو وہ لاؤ. آپ نے گھر میں دال پکائی تو لازم نہیں ہے کہ آپ مرغی پکا کے لے آؤ, آپ کی مانتا ہوئے اور بات ہے, لیکن جو گھر میں دال کھائی تو اس کو دال کھلا. لیکن اپنے گھر سے حضر امام کی شاطر کی مہمانی لے کے آؤ, دن و دنیا کی نعمتیں ملتی رہے گی, آپ کے گھر میں رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا, آپ کے باکسز ہیں وہ خالی نہیں ہوں گے, آپ کی آفتیں بلائیں دور ہوں گی. مولانا حضر امام آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے گا. مولا آپ کو جن میں دنیا میں اپنی میٹھی نظر میں رکھے گا.